हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है, ये जो आज का टॉपिक है, वो इस बात को लेकर के है कि हम किस तरीके से पाइथन पर अपना डेटाबेस बना सकते हैं। MySQL पर वो अपडेट हो जाएगा अगर हम पाइथन पे बनाते हैं तो, और साथ ही साथ ये भी कि उसी डेटाबेस का यूज करके एक हम टेबल भी बना पाएंगे, बिल्कुल पाइथन पे ही बना पाएंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है क्लास 12 के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है 3 या 4 नंबर का, जान लीजिए ये पक्का आएगा। तो चलिए ये देखते हैं कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं पाइथन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पाइथन को ही ओपन करना है। तो यहां से पाइथन को ओपन कर लेता हूं। तो ये पाइथन को ओपन कर रहा हूं। ये पाइथन की आइडियली है, ट्रेडिशनल आइडियली, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो ये ओपन हो गया। अब ओपन हो जाने के बाद क्या करना है, अब ओपन हो जाने के बाद देखिए, प्रोजेक्ट भी जब आप बनाते हैं तो प्रोजेक्ट दो तरीके से बनता है। आपने MySQL पे कोडिंग किया, उसे पाइथन पे फेच कराया, एक तो ये प्रोजेक्ट रहता है आपका। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मेन्यूज बनवाते हैं। मेन्यूज बनवाने का मतलब क्या है, मेन्यूज बनवाने का मतलब ये है कि आपने पाइथन पर कोडिंग करी और वो सीधा MySQL में अपडेट हुआ, लेकिन ये करके कोई नहीं दिखाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि ये करके प्रैक्टिकली नहीं दिखाया जाता है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं कि ये कैसे करना है। तो कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं, ये नया फाइल आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब यहां पर कोडिंग करनी है, क्या कोडिंग करेंगे, तो यहां लिखेंगे इंपोर्ट MySQL, क्या लिखेंगे इंपोर्ट MySQL, और यहां लिखेंगे डॉट कनेक्टर। तो ये हो गया डॉट कनेक्टर, ठीक है। अब एंटर कर देते हैं। जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो यहां पर अब हमको एक और बना लेना, यहां देखिए मैं MyDB नाम से एक बना लेता हूं। तो ये लिख दिया MyDB, यानी माई डेटाबेस, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे MySQL या MySQL भी कह सकते हैं आप इसको, और यहां लिखेंगे डॉट कनेक्टर, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया डॉट कनेक्टर, और यहां आगे लिख देंगे डॉट कनेक्ट। तो ये हो गया, और अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करते ही होस्ट देंगे यहां पर, तो हमारा होस्ट तो लोकल होस्ट है। अब कैसे पता लोकल होस्ट है, दिखाता हूं। MySQL को ओपन करता हूं, ये देखिए ये MySQL ओपन हुआ। अब चूंकि मैं वर्कबेंच ही ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना, तो ये वर्कबेंच ओपन कर रहा हूं, और वर्कबेंच जैसे ही ओपन होगा तो देखिए ये होस्ट हमारा क्या है, नीचे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट, और हमारा जो यूजर है वो रूट है। यहाँ पे देखिए रूट लिखा हुआ है, तो हमारा यूजर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यूजर रूट होगा, ठीक है ना, और होस्ट लोकल होस्ट होगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक भी कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट करेंगे, ये हो गया लोकल होस्ट, ठीक है। और फिर कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा करके एंटर करेंगे। जैसे एंटर करते हैं तो यूजर आएगा, तो यूजर इज इक्वल टू क्या करेंगे, रूट कर देंगे, ROOT रूट, ठीक है। और रूट करके और फिर नीचे कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा के एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। और फिर यहां पर क्या करना है, यहां पर करना है हमें पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड ना लिख करके PASSWD कर देते हैं हम, पासवर्ड ना लिख करके यही लिख देते हैं, ठीक है, सपोर्ट नहीं करता है कई बार। तो पासवर्ड जो है हम दे देंगे अपना, आपका जो भी पासवर्ड बनता है वो दे दीजिएगा, मेरे में यही है तो मैं यही दे देता हूं। तो ये दे दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, अब कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा दिया, एंटर किया, नीचे एंटर करेंगे। अब यहां पर एक डेटाबेस बनाएंगे, तो यहां पर डेटाबेस बना लेते हैं, किस नाम से डेटाबेस बनाया जाए, ठीक है। सवाल है कि किस नाम से डेटाबेस बनाया जाए, तो मैं यहां पर कर देता हूं स्कूल डाटाबेस, ठीक है। स्कूल डाटाबेस के नाम से हम डाटाबेस बना रहे हैं, ठीक है। आपको मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि स्कूल डाटाबेस के नाम से कोई भी डाटाबेस हमारे पास मौजूद नहीं है। यहां पर शो डाटाबेसेस कमांड चलाएंगे हम, और आप देख पाएंगे कि इसमें कहीं भी आपको स्कूल डाटाबेस नहीं नजर आएगा। देखिए इसमें आपको सारा चीज नजर आएगा, लेकिन स्कूल डाटाबेस नहीं नजर आ रहा है, कहीं भी स्कूल डाटाबेस नहीं है। ये तो स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन स्कूल डाटाबेस के नाम से कहीं नहीं बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, कहीं भी आपको स्कूल डाटाबेस नहीं नजर आ रहा है। तो ये पूरा ही दिखा दिया मैंने, इसमें कहीं भी स्कूल डाटाबेस है ही नहीं। तो अब हम स्कूल डाटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, स्कूल डाटाबेस ही हम बना रहे हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पर स्कूल डाटाबेस हम बना रहे हैं, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, बनाने के लिए भी क्रिएट कमांड हमको यूज करना पड़ेगा। भाई डाटाबेस पहले से तो बना नहीं हुआ है स्कूल डाटाबेस, लेकिन अगर डाटाबेस पहले से बना हुआ है तो आप उसको यूज जरूर कर सकते हैं। बनाने के लिए आपको क्रिएट लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो फिलहाल मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं जो डाटाबेस बना होगा उसी को यूज कर लूंगा। तो आइए दिखाता हूं, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पर कोई एक डाटाबेस हम यूज करते हैं, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना हुआ है माई इंस्टीट्यूट, नीचे और भी डाटाबेसेस बने हुए हैं, तो इसमें कोई भी एक डाटाबेस हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी डाटाबेस को यूज कर लेता हूँ, ये माई इंस्टीट्यूट करके है, तो इसी को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यूज करेंगे तो यहाँ पर आकर के और क्या दे देंगे,
ये जो डाटाबेस का नाम है वो यहां पे दे देंगे, ठीक है। तो यहां पे दे दिया है माय इंस्टीट्यूट, आप चाहे तो सिंगल टेड कॉमा यूज कीजिए या आप चाहे तो डबल टेड कॉमा भी प्रीफर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम इसी को यूज करेंगे ना, इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। डबल टेड कॉमा क्लोज करके और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके जैसे ही नीचे आते हैं तो फिर जो कि हमने यहां पे बनाएंगे माई कर्सर नाम से, तो यहां पर हम माई कर्सर नाम से एक बना लेते हैं और इसके अंदर इज इक्वल टू लिखते हैं, फिर यहां पे लिखेंगे माई डीबी, माई डीबी बनाया ऊपर देखिए, तो यहां लिखा माई डीबी डॉट क्या दे देंगे कर्सर, तो कर्सर यहां पे फंक्शन है, देख सकते हैं ये कर्सर फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए ब्रैकेट ओपन क्लोज किया ही जाता है, ये तो आपको पता ही है। और यहां पे लिखा मैंने माई कर्सर इज इक्वल टू माई डीबी डॉट कर्सर हो गया और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। माई कर्सर डॉट एक्सिक्यूट और अब हम यहां पे टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। माई इंस्टीट्यूट को यूज किया है, अब हम यहां पे टेबल बनाएंगे, तो यहां लिखेंगे क्रिएट और टेबल, क्योंकि टेबल बनाने का कमांड ही यही होता है क्रिएट टेबल। और यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं कस्टमर कंज्यूमर के नाम से, कंज्यूमर कंज्यूमर कर देते हैं, तो ये कर दिया कंज्यूमर, ठीक है। यहां सी ओ कर देंगे कंज्यूमर, ठीक है। तो ये हो गया कंज्यूमर और कंज्यूमर नाम से टेबल बनेगी, इसमें फील्ड कौन कौन सी आएंगे, कौन कौन सी चीजें आएंगी तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, अब चूंकि टेबल बनता है तो टेबल बनने के बाद ब्रैकेट को ओपन ही किया जाता है और यहां पे कर देंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कंज्यूमर कंज्यूमर, ठीक है। नेम ऑफ कंज्यूमर हो जाएगा और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, वेयर केयर रहेगा, क्या रहेगा, वेयर केयर, और इसका साइज रहेगा 50, कॉमा देंगे और कॉमा दे करके फिर आगे बढ़ेंगे और यहां पे क्या करना है, यहां पे सिटी करेंगे CITY सिटी, तो सिटी जो भी हो वो दे सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पे इस बार केयर डेटा टाइप कर देता हूं और साइज रख देते हैं 20, ठीक है। और यहां पे कर देते हैं स्टेट, तो STATE स्टेट कर दिया और स्टेट का भी साइज यहां पे डेटा टाइप पहले मेंशन कर देते हैं, तो यहां पे आप चाहे तो टेक्स्ट भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात ये नहीं है कि ये टेक्स्ट सपोर्ट नहीं करेगा, टेक्स्ट भी ये सपोर्ट करेगा, तो टेक्स्ट में साइज मेंशन नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको बंद करना है, तो बंद कर दिया और बंद करके क्या करेंगे, बंद करके हम जो दूसरा वाला ब्रैकेट है जो कि ओपन किया गया था उसको भी क्लोज कर देंगे और क्लोज करके देन ये डबल डॉट कॉमा जो ओपन हुआ था उसको क्लोज करके देन इसको भी क्लोज कर देंगे, तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। और नीचे एक प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे ताकि जब ये डेटा अपडेट हो जाए सक्सेसफुली तो हमें पता चल जाए, तो यहां पर टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख देते हैं, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली SUCCESSFULLY सक्सेसफुली कर दिया, यूज नहीं किया था जिसकी वजह से ये एरर जनरेट कर रहा था। यहां पर हमने केयर को 20 ही रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, इसको चलाते हैं एक बार, यहां से चल के इसको रन कराते हैं, तो यहां पर ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, आप देखिए लिखा हुआ आ गया टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो यहां पर आप केयर रख लीजिएगा, ठीक है, टेक्स्ट मत रखिएगा, टेक्स्ट सपोर्ट ना करता हो शायद, तो यहां पर ये आ गया। अब ये टेबल बन गया, तो टेबल किस नाम से बना होगा, कंज्यूमर के नाम से, तो अब हमको चलना है MySQL के अंदर चेक करना है कि टेबल कंज्यूमर नाम से बना या नहीं बना, तो यहां से चल करके, और अब चूंकि 100 डाटाबेसेस में हम गए थे तो हमारा डेटाबेस था ये माई इंस्टीट्यूट, हमने इसे यूज कर लिया था, अब यहां पर 100 टेबल्स पे जाना है तो अब चेक करेंगे, तो यहां पर देखिए कंज्यूमर और कस्टमर्स दोनों डाटा बने हुए हैं, तो हम यूज करेंगे कंज्यूमर को, कंज्यूमर को चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से फील्ड्स डाले गए हैं, तो यहां पर आकर के और क्या करेंगे, DESC कमांड चलाएंगे और यहां पर कमांड के अंदर क्या देंगे, कमांड के अंदर देंगे आपका नाम, किसका नाम देंगे, जो हमारा टेबल है उसका नाम, तो ये दे दिया कंज्यूमर और कंज्यूमर देखे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके इस तरीके से चलाएंगे, ये लीजिए चला दिया, तो आप देख सकते हैं ये सारे ही डेटा टाइप वही सेम डेटा टाइप है, नेम ऑफ कंज्यूमर भी है, सिटी भी है, स्टेट भी है, और वो सारी ही चीजें मिलती जुलती हैं, मिलती जुलती क्या है, यही है सेम जो कि यहां पर दिया गया है कंज्यूमर वाले डेटाबेस में। यहां पर देखिए ये जो हमने बनाया है पाइथन पर, ये कंज्यूमर वाला जो डेटाबेस है, यहां पर देख सकते हैं ये वाला, यहां पर देखिए ये है ना कंज्यूमर वाला, तो सेम वही चीज यहां पर भी नजर आ रही है, यहां पर वेयर केयर जो है 50 है, सिटी जो है केयर डेटा टाइप है और स्टेट भी हमने केयर बाद में चेंज कर दिया, तो इस तरीके से ये डाटाबेस आपका बन करके तैयार है, ठीक है। और डाटाबेस के बाद टेबल भी बन करके तैयार है, ठीक है ना,
तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है जरूर, ठीक है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है प्रैक्टिकल करने में, लेकिन अगर आप कॉपी पे लिखेंगे तो कॉपी पे इतना पता नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी तो वो भी एक्सेप्टेड है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।